बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट में, हूँ मोहम्मद अवैस मरसूद, करीब मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। कर साहब से आज हम क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कर साहब हमें ये बताएं, ख्वाब के अंदर अगर बकरी या बकरा देखें तो इसकी क्या तबीर हो सकती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अवैस साहब, ख्वाब में बकरा या बकरी देखना, जी जी, बकरी का तذکرہ हदीस पाक में आता है जी, क्योंकि मेरी अक्सर कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बात के अंदर अल्लाह के नबी को हदीस लेकर लाजमी आऊँ, अल्लाह के नबी की लाजमी हदीस लेकर आऊँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को बकरी के दस्ते का गोश्त बड़ा पसंद है, जिसकी दस्ती होती है ना उसका गोश्त लजीज बड़ा होता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसे खाते थे, और इस पर एक वाक्या मौजूद है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपने बदवी दोस्त से मिलने गए, तो उसने आगे से क्या किया, बकरी ज़बह करके हंडिया में रख दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे से अभी बकरी तैयार हो गई है, बन गया है गोश्त। उसने कहा अभी थोड़ा सा टाइम है। तो रसूल ने फरमाया दस्ती उठा के लिया, तो वो दस्ती लेकर आ गया, एक दी, फरमाया और लेकर आ दूसरी दस्ती, अल्लाह के दोनों खा ली, फरमाया और लेकर आ, अल्लाह के रसूल बकरी की दस्तियाँ दो आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू खामोश रहता और चला जाता, अल्लाह ने तेरी हंडिया में एक दस्ती और पैदा कर देनी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा होना था। लेकिन उस सहाबी ने सवाल किया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। तो ये आप सारा वाक्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी ये बकरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में बकरी होती है ना उस घर में गुर्बत आ ही नहीं सकती। तो कितनी बड़ी बात है, हम वजीफ़ों के पीछे जाते हैं, अल्लाह के नबी ने यह अमल बताया कि बकरी को घर में रखें। तो इसलिए ख्वाब में अगर इंसान बकरा देखे तो इससे मुराद मर्द है, बकरी देखे तो इससे मुराद औरत है। और इसी तरह नामालूम बकरा देखा है, अब नामालूम बकरे को उसने मारा है, तो इसकी तबीर ये है कि किसी बिगड़े हुए शख्स को ये बंदा उस पर गालिब आ जाएगा। और इसी तरह अगर देखे कि बकरे का मैंने चमड़ा उतारा है, तो ये बहुत ज़्यादा माल पाएगा। अगर गोश्त खाया है बकरी का या बकरी का, तो ये माल खाएगा। और इसी तरह अगर इस बंदे ने देखा है कि मैंने अपनी यानी पुश्त के पीछे, जैसे कहते हैं ना बेकार चीज़ को इंसान ऐसे करके पीछे फेंक देता है या तवज्जो ही नहीं करता, तो इसी तरह इस जानवर को उसने पीछे गिरा दिया है, तो ये जो शख्स है ये जाहो हशमत से गिर जाएगा। ओहदे पर बैठा है या किसी ऐसी जगह पर बैठा है या किसी कारोबार जॉब नौकरी पे बैठा है, इसने बकरा बकरी को फेंक दिया है पीछे पुश्त के, तो ये शख्स अपनी नौकरी से गिर जाएगा, ये नौकरी से फारग हो जाएगा था। ये इसकी पांच तबीरें थी जो मैंने नाजरीन के सामने रखी हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। नाजरीन अगर किसी भाई बहन को ख्वाब आती है तो नीचे कर सबका नंबर मेंशन है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال